क्या आप किसी भी विषय को बार बार पढ़ते हैं फिर भी वह याद नहीं होता? क्या आपने जो याद किया है वह बहुत जल्दी भूल जाते हैं? तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। दोस्तों आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट को एक बार पढ़ेंगे तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। टिप नंबर 1, माइंड पैलेस। अगर आप चाहते हैं कि आप जो पढ़े वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए तो आपको उस विषय को अपने डेली लाइफ के चीजों से रिलेट करके याद करना होगा। अपनी डेली लाइफ के चीजों से रिलेट करके किसी भी विषय को याद करने पर आपको वह विषय काफी लंबे समय तक याद रहता है। इस तरह के टेक्निक को अंग्रेजी में माइंड पैलेस टेक्निक के नाम से जाना जाता है। अगर आपने BBC वंस का सीरियल शेरलॉक होम्स देखा होगा तो आप इस टेक्निक को अच्छी तरह से जानते होंगे। इस सीरियल में शेरलॉक नाम का एक जासूस होता है जिसे इंग्लिश में डिटेक्टिव बोलते हैं। वह किसी भी घटना को अपनी डेली लाइफ की चीजों से रिलेट कर समझता था, मतलब अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट करता था। किसी भी घटना को इमेजिन करके अपने माइंड में स्टोर कर लेता है और फिर कभी नहीं भूलता है। इसे दूसरे शब्दों में माइंड पैलेस कहा जाता है। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको याद करना है कि सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, तो आप अपने आँख को बंद करके अपने दिमाग में सोचेंगे कि सलीम और अली नाम के दो लड़के हैं, इंडिया के मैप के ऊपर चिड़ियों के साथ खेल रहे हैं और फिर अचानक से सलीम और अली नाम के लड़का चिड़िये के साथ टकरा कर चिड़िया में बदल जाते हैं, जिसे बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसी तरह अगर आप किसी विषय को याद करते हैं तो उसे अपने माइंड में इमेजिन करने की कोशिश करें। यह मात्र एक साधारण सा उदाहरण था। शुरुआत में इस तरह का टेक्निक अपनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, पर कुछ अभ्यास के बाद यह तरीका बहुत आसान हो जाएगा। और इसकी खास बात यह है कि इस तरीके से पढ़ने में आप बोर नहीं होंगे, आपको पढ़ाई करने में बहुत मजा आएगा। टिप नंबर 2, गाना या किसी राइम्स की तरह विषय को याद करें। अगर आपने रसायन विज्ञान पढ़ा होगा तो आपको आवर्त सारणी के बारे में जरूर पढ़ाया गया होगा, जिसे इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जिसके द्वारा हम तत्वों के नाम और एटॉमिक नंबर याद रख पाते हैं। कई छात्र मुश्किल से कुछ तत्वों के नाम और एटॉमिक नंबर याद रख पाते हैं, पर बहुत से छात्रों को पूरी टेबल याद होती है। ऐसे छात्र जिन्हें पूरी टेबल याद होती है उनमें से अधिकतर टेबल को गाने की तरह याद रखते हैं। उदाहरण के लिए इस पंक्ति पर ध्यान दें, हालीना को मिल गई रूबी एंड सीज फायर। इसे आप आसानी से टेबल के फर्स्ट ग्रुप से जोड़कर याद कर सकते हैं। ऊपर दिए गए चित्र से आप समझ रहे होंगे कि कुछ शब्द वाक्य पूरा करने के लिए बने हैं। इस तरह आप बहुत सारे दिलचस्प वाक्य के द्वारा आप अपने विषय को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। टिप नंबर 3, खुद को पढ़ाएं। आपने कुछ पढ़ा तो उसे खुद को शीशे के सामने खड़े होकर समझाने की कोशिश करें। ऐसा करने के कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि आपको वह कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि समझाने से पहले आपको खुद समझ आना जरूरी है। पढ़ाने के दौरान आप कई सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको वो बातें लंबे समय तक याद रहती है। लंबे समय तक याद रखने के अलावा यह टेक्निक आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी सहयोग करेगा और साथ ही साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा। आप चाहे तो पेन और पेपर की मदद लेकर काम कर सकते हैं, इसलिए आप कुछ भी याद करें उसे खुद को पढ़ाने की कोशिश जरूर करें, यह बहुत लाभदायक होता है। टिप नंबर 4, दोहराना। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपको अपनी रिकॉल करने की क्षमता पता चलेगी। अगर आपने किसी भी विषय को बताए गए टेक्निक से याद किया है तो आपको कुछ समय के बाद उस विषय को फिर से दोहराना चाहिए। दोहराने पर ही आपको पता चलेगा कि आप किस विषय को कितना जल्दी रिकॉल कर सकते हैं। अगर आपने माइंड पैलेस टेक्निक का इस्तेमाल किया है तो इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए कि आपने जो याद किया उसे रिकॉल करने में कितना समय लग रहा है। शुरुआत में समय ज्यादा लगेगा, पर धीरे धीरे रिकॉल करने का समय कम होता चला जाएगा। कुछ अभ्यास के बाद आपको एक बार कुछ भी पढ़ने पर याद हो जाएगा और वो हमेशा के लिए याद रहेगा। टिप नंबर 5, गहरी नींद ले और दिमाग वाले खेल खेलें। शतरंज, सुडोकू इत्यादि कुछ ऐसे
खेल हैं जो आपकी कंसंट्रेशन शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि इन सभी खेलों के लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होती है। इन खेलों को खेलने वाले लोग निर्णय करने की क्षमता में भी सुधार होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लगातार व्यायाम करने से व्यक्ति की मांसपेशियां मजबूत बन जाती है, इसी प्रकार हम मस्तिष्क को भी मांसपेशी मान सकते हैं और शतरंज और क्रॉसवर्ड पजल जैसी पहेलियों को बार बार खेलकर लंबे समय के लिए हाई कंसंट्रेशन पावर प्राप्त कर सकते हैं। आप ये खेल स्मार्टफोन कहीं भी खेल सकते हैं और कभी भी खेल सकते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, इसलिए एकाग्रता में सुधार लाने के लिए आपको शारीरिक व्यायाम और स्वस्थ भोजन करना बहुत जरूरी होता है। जंपिंग जैक्स, दौड़ लगाना इत्यादि जैसी एरोबिक व्यायाम आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाते हैं। एरोबिक्स व्यायाम को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं, यह आपको फिट बनाए रखने में मदद करेगा, साथ ही साथ आपकी कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाएगा। व्यायाम के साथ साथ हेल्दी फूड खाएं, जंक फूड खाने से बचें, जैसे समोसा, लिट्टी, मोमोज, चटनी, ये सब खाने से बचें। ये सब आपके माइंड में नेगेटिव इफेक्ट डालता है, आपके माइंड क्रिएटिव नहीं होता यह सब खाने से, इसीलिए ये सब खाने से बचें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। शुरुआती दौर में यह तरीके अपनाने में काफी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग किसी भी काम को उसी तरीके से करने का अभ्यास हो जाता है जिस तरीके से हम उस काम को बचपन से करते आ रहे हैं। इसलिए नए तरीकों को अपनाने में समय लगेगा, लेकिन निरंतरण अभ्यास के द्वारा आप आसानी से महारत हासिल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह के नए नए वीडियोस आपको रोजाना मिलता रहे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।